चोरी की बोलेरो गाड़ी, फर्जी नंबर प्लेट, लैपटॉप, गाड़ी के फर्जी कागजातों के साथ चार अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मध्यनगर जनपद में अपराधियों के बीच चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 6 को आशुतोष तिवारी क्षेत्राधिकारी नगर रामपुर के कौशल नेतृत्व में थाना सिविल लाइन रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर बरेली गेट चौराहे से चार व्यक्तियों को चोरी की बोलेरो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। गाड़ी पर नंबर प्लेट को चेक किया गया तो उस पर आगे पीछे फर्जी नंबर की प्लेट के 06F0744 लगी हुई थी। उत्तराखंड के रहने वाले इस आधार पे हम इसे इंटर डिस्ट्रिक्ट बल्कि इंटर स्टेट गैंग भी कह सकते हैं, लेकिन बड़े सफाई से ये काम करता है ये गैंग। और इसके जो पेपर तैयार करने वाले शुभम हैं और उनके मध्यस्थ सुखवीर और धर्मेंद्र ये पकड़े गए हैं। एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति, विशाल नाम का व्यक्ति और है, जिसे जो हमारा मुख्य अभियुक्त नरेश, उसने उसे लोग कहते हैं कि दत्तक पुत्र बना लिया है, तो वो भी पकड़ा गया क्योंकि गाड़ी उसी के पास से बरामद हुई थी। उसे पूछताछ की और सारी चीजें उन्होंने बताई। नहीं, आरटीओ ऑफिस से नहीं, एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सर्विस का अपना है शुभम, उसके माध्यम से ये काम करते थे। और इसमें दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक आरटीओ ऑफिस का दलाल है और एक व्यक्ति है जो बीमा का काम करता है। तो इस तरह से गाड़ियों के पेपर कैसे बनते हैं ये सारे दोनों उसको उसकी तकनीक बताते हैं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सारे पेपर्स डाउनलोड करके और उसका उसी तरह का कलर प्रिंट निकाल करके मुहर लगा करके और सबको भेज दिया। आपराधिक इतिहास क्या है इनका? आपराधिक इतिहास इन जो व्यक्ति पकड़े गए हैं अभी, इनके बारे में आपराधिक इतिहास क्योंकि ये बाहर के हैं, इनकी हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन नरेश के बारे में हमें पता चल गया कि हमारे ही जनपद के पटवई से, शहजाद नगर से वो हत्या जैसे मामले में पूर्व में आरोपी था, उसके खिलाफ चार्जशीट है, तो उसका भी हम आपराधिक इतिहास जुटा।